बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम ज़ैनब फातिमा योर साइंस टीचर हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 12, वेरिएशन एंड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया कि वेरिएशन क्या होती है और क्लासिफिकेशन क्या होती है पिछले लेक्चर में हमने क्लियर किया था अपना कॉन्सेप्ट अबाउट फिंगरप्रिंट्स और अब हम पढ़ने लगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स तो आइए शुरू करते हैं तो फिर द साइंटिस्ट है नोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटू टू किंगडम्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जानदार चीजें हैं इस प्लान पे साइंटिस्ट ने उनको डिवाइड किया है दो किंगडम्स में नंबर वन इज द एनिमल किंगडम एंड नंबर टू इज द प्लांट किंगडम अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे द डिटेल ऑफ एनिमल्स एनिमल किंगडम एनिमल्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अब मैंने यहां हाईलाइट किया द वर्ड मल्टी विच मीन्स मोर देन वन द वर्ड मल्टी सेल्युलर मीन्स के ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक से ज्यादा सेल मौजूद है Have more than one cell. अब सबसे पहले हम इनका एक सेल पकड़ कर डिटेल में पढ़ेंगे दिस इज अनिमल सेल इसमें आप देख सकते हैं बीच में न्यूक्लियस मौजूद है और साथ यहां पर मौजूद है ये बाउंड्री द सेल मेम्ब्रेन अब यहां पर कोई ऐसी चीज है जो नहीं मौजूद और वो है द सेल वॉल सेल वॉल इसके बाहर मौजूद होती है और एनिमल्स में ये एबसेंट होती है दिस इज प्रेजेंट इन प्लांट्स तो फिर द वन थिंग दैट इज एबसेंट इन एन एनिमल सेल इज सेल वॉल तो आपने देखा कि इस तरह का सेल होता है एनिमल्स का और एनिमल जो है उनमें एक नहीं बल्कि काफी ज्यादा थाउजेंड बिलियन और ट्रिलियन सेल होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ढेर सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं जैसा कि हमने अपनी ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस वाले चैप्टर में पढ़ा था इसको दोबारा रिवाइज करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर जाकर तो यहां पर मैंने वो दोबारा कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है जो हमने सर्क्यूलेटरी सिस्टम पढ़ते हुए पढ़ा था सेल्स कंबाइंड टू फॉर्म अ टिश्यू जैसे हमने पीछे पढ़ा एक सेल वो उस तरह के ढेर सारे सेल्स कंबाइन करके एक टिश्यू बनाते हैं नवदीस टिश्यूज ये जब एक टिश्यू मतलब सेल्स का क्लस्टर इकट्ठे होके टिश्यू बन गया और टिश्यूज जो है वो इकट्ठे होके बनाएंगे एन ऑर्गन जिस तरह मैंने डिफाइन किया था हार्ट को हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन और जिन टिश्यूज से मिलकर वो बना है उसको हम कहेंगे द कार्डियक टिश्यूज और ये हमारा एक ऑर्गेन होगा अगला पॉइंट कह रहा है ऑर्गेन्स कंबाइंड टू फॉर्म अब ऑर्गन सब मिलकर कोई ना कोई सिस्टम बनाते हैं इन केस ऑफ ह्यूम या फिर एनिमल्स भी आप कह सकते हैं हम एक सिस्टम की एग्जाम्पल लेते हैं जैसे द डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं नंबर वन इज द ओरल कैविटी जहां से हमने खाना इनटेक किया देन इज द एस ऑफ फेगस देन कम्स द स्टामिक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ये डिफरेंट ऑर्गेन्स कंबाइन हुए और कंबाइन होके उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको हमने कहा द डाइजेस्टिव सिस्टम इसी तरह हमने सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ा ये सब सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अलावा सब एनिमल्स में भी मौजूद हैं। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं वेयर डू एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम जैसा कि अभी मैंने आपको एक सिस्टम डिफाइन किया जिसमें खाना हम इनटेक कर रहे थे अब वो खाना हमें कहा से मिलते हैं वी आई द कोकेट और वी इट इसका मतलब कि खाना हम अपना खुद नहीं बना सकते मतलब हमारी बॉडी नहीं बना सकती हमें उसके लिए कोई काम करना पड़ता है जाकर रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ते हैं और सारा प्रोसीजर करना पड़ता है एनिमल्स मूव अराउंड टू फाइंड फूड जैसा कि अभी मैंने बताया यहाँ फूड के बारे में लिखा है फूड इज स्वेलोड एंड डाइजेस्टेड इन देयर बॉडीज ये जो फूड है हम स्वेलो करते हैं हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है इस फूड में से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो जाती हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है ओवर 1.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन क्लासिफाइड सो फार एनिमल्स में 1.5 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं जो अब तक क्लासिफाई हम कर चुके हैं इसमें से 1 मिलियन इंसेक्ट्स हैं बाकी दो कैटेगरीज हैं जो हम जाकर नेक्स्ट बोर्ड पर पढ़ेंगे

नंबर वन एग्जाम्पल इज फिश यू नो अ फिश इज मगर लेट मी टेल यू कि ये जो फिश है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी पर सॉफ्ट किस्म के स्केल्स मौजूद हैं फिंस गिल्स इस तरह की चीजें मौजूद हैं जहां से ये सांस लेते हैं दे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एक और कैरेक्टरिस्टिक है फिश के बारे में दैट दे आर कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब ये है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चेंज कर सकते हैं हमारी हमारी का का है। 98 इससे ज़्यादा अगर जाएगा, तो वी विल हैव फीवर एंड दैट इज अनयूजल क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है वी कॉल आवर सेल्स एंड अदर एनिमल्स द ब्लडेड एनिमल्स इसी तरह कैटेगरी आती है कोल्ड ब्लडेड की जिसमें से पहली एग्जाम्पल हमने पढ़ी फिश विच इज कोल्ड ब्लडेड वो अपने आप के बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरमेंट चेंज कर सकती है एग्जाम्पल हैं फिश की सोड फिश गोल्ड फिश एंड यू नो अलॉट ऑफ अदर फिशेज चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ सेकेंड एग्जाम्पल इज रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और इनकी एक खास बात यह है कि इनकी स्किन बहुत हार्ड होती है हम कहते हैं कि इनपे बहुत ड्राई किस्म के स्केल्स मौजूद हैं अगर हम एग्जाम्पल्स देखेंड एंड क्रोकोडाइल्स तो वी नो दैट इफ सीडाइल सी अ क्रोकोडाइल वी कैन सी द हार्ड स्केल्स ऑन इट्स स्किन वेरी क्लियरली मगर अगर लिजर्ड को देखें तो हमें लगता है कि शायद उसकी स्किन स्मूथ है या फिर स्नेक्स भी इसी एग्जाम्पल में आते हैं दैट इज नॉट सो अगर हम किसी साइंस लेबोरेटरी में जाके उनकी स्किन को बहुत पास से ऑब्जर्व करें तो वी विल सी कि उनकी स्किन पर भी एक ड्राई किस्म की लेयर है स्केल्स की ठीक है तो वी हैव द सेकेंड टाइप रेप्टाइल्स जिसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी पढ़ी लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स क्रॉकोडाइल्स थर्ड एग्जाम्पल इज मैमल्स मैमल्स में हम भी आते हैं और और बहुत से एनिमल्स आते हैं तो मैमल्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड दैट फीमेल्स हैव इट हैीन्स के इस तरह के ग्लैंड जो कि मिल्क प्रोड्यूस कर सकें टू फीड देयर इन्फेंट्स इनको कहते हैं मैमल्स एक और कैरेक्टरिस्टिक इन मैमल्स का ये है कि दैट दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी Like humans, other animals, for example, a rabbit or a lion or a bear, they have hair on their skin. And this hair is से way our body ka temperature is maintained. We can regulate our body temperature because of this insulation of hair on our bodies. The fourth example is amphibians. Amphibians are organisms or animals a moist environment. Chahiye. अब मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ये सॉफ्ट शेल के एग्स भी देते हैं फॉर एज अ सोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन और इसकी एग्जांपल है फ्रॉग एंड सिसिलियंस अब आपने एग्जांपल्स भी देख ली ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कोल्ड ब्लडेड हैं दे आल्सो चेंज देयर बॉडी टेंपरेचर अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट लास्ट में चलते हैं द कैटेगरी नंबर 5 व्हिच इज बर्ड्स यू नो व्हाट बर्ड्स आर मगर लेट मी टेल यू बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड हैं और उसकी वजह यह है कि उनकी स्किन पर फेदर्स मौजूद हैं अगर बर्ड्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो नंबर वन दे हैव फेदर्स ऑन देयर स्किन एंड नंबर टू दे हैव अ हार्ड बीक ये भी दो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हर बर्ड uh, में आपको कॉमनली मिलेंगे एग्जाम्पल्स आउल स्पैरो इसके अलावा पेजन क्रो ऑफ बर्ड्स अराउंड अस तो आप उसकी एग्जाम्पल यहाँ से ले सकते हैं एंड दे आर वार्म ब्लडेड ये भी आपने याद रखना है तो फिर कौन कौन से एनिमल्स हमारे पास वार्मेड थे और कौन कौन से कोल्ड ब्लडेड मैमल्स एंड बर्ड्स इन एंड ऑल्सो ह्यूम आर वार्मेड वेर आर दीबिय रेपटाइल एंड फिश दे आर कोल्ड ब्लडेड ये थी हमारी एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टी बर्ड्स ये तमाम वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स थे जिनके पास बैकबोन मौजूद थी अब चलते हैं उन एनिमल्स की तरफ जिनके पास बैकबोन मौजूद नहीं मतलब इन वर्टिब्रेट्स की तरफ तो आपके सामने मैंने लिस्ट लिख दी एग्जांपल्स की ऑफ इन वर्टिब्रेट ये तमाम वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास बैकबोन मौजूद नहीं नंबर वन एग्जांपल इज द कोलेंटर कोलेंटर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस तरह के कि उनकी बॉडी होती है या कप शेप की या फिर ट्यूब शेप की और इनके पास टेंटिकल्स मौजूद हैं या हम कह सकते हैं लंबी लंबी लेग्स मौजूद हैं जिसकी वजह से ये खाना जो है या फिर ऑक्सीजन जो है अपनी उन टेंटिकल्स के थ्रू जो है एब्जॉर्ब उसकी करते हैं एग्जाम्पल्स में वी हैव जेलीफिश एंड सी एनिमल्स ये एग्जाम्पल्स थी हमारी को की चलते हैं सेकेंड कैटेगरी की तरफ वी हैव प्लेटी हेलमिन एक्चुअली फ्लैट वर्म्स अगर आप इस वर्ड को देखें प्लेटी

उसमें मौजूद होता है और अगर बीफ अंडर कुक्ट हो तो ये बॉडी के अंदर जाके रिजाइड कर सकता है और डिजीज कॉज कर सकता है तो ये थी हमारी सेकेंड कैटेगरी द द थर्ड इज एनलिड्स एनलिड्स ऐसे वार्म होते हैं जिनकी बहुत सारी लेग्स मौजूद होती हैं और इनकी बॉडी पर ढेर सारी लेग्स को हम कहते हैं द मूविंग ब्रिस्टल्स ये ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं जो इनको चलने में या फिर अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं वेरी स्ट्रॉन्पल हमारे अर्थ वार्मीच तो दोनों की काफी होगी. इनके पास वो करते हैं mollusks. Mollusks, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास कैल्शियम कार्बनेट की बनी हुई शेल मौजूद होती है अब वो उस शेल में या तो पार्शली रहते हैं या फुली उस शेल के अंदर छुपे होते हैं ऐसे भी मॉलिस्क की एग्जाम्पल्स हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस जिसके पास शेल मौजूद नहीं मगर इट स्टिल तो लाइज इन द कैटेगरी ऑफ मॉलिक एग्जाम्पल्स आर स्नेल एंड ऑक्टोपस देन वी आर कमिंग द फिफ्थ कैटेगरी विच इज अकाइनोडर्म्स अकाइनोडर्म्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जिस तरह का मटीरियल बॉडी के अंदर होता है उसी तरह का मटीरियल बॉडी के बाहर होता है मतलब जो स्पाइन बॉडी के अंदर है वही स्पाइन बॉडी के बाहर है इसीलिए इनको कहते हैं स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल्स हमारे पास है स्टारफिश एंड सी अर्च की आई होप यू अंडरस्टैंड उसके बाद है हमारे पास सिक्स कैटेगरी द इंसेक्ट वी नो वट इंसेक्ट आर मगर लेट मी कैरेक्टराइज इट फॉर यू के इंसेक्ट उस तरह की ऑर्गेनिज्म uh, को कहते हैं जिनकी नंबर वन जिनकी बॉडी तीन हिस्सों में डिवाइड हो विच इज द थोरिक्स दबडोमिन एंड हेड मतलब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया कि बॉडी लास्ट विंग्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके पास विंग्स मौजूद ना हो या विंग्स की वजह से वो, वो उड़ ना सकते हो मगर विंग्स मौजूद हो ऐसे भी इंसेक्ट्स हमारे पास हैं मगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखने हैं टू तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंसेक्ट्स एंड द अदर ऑर्गेनिज्म तो इंसेक्ट्स में हमारे पास एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाई की ड्रैगन फ्लाई क्वाइट लार्ज तो आप देखिए उसको बता सकते हैं कि बॉडी तीन हिस्सों में डिवाइड हो रही है उसकी विंग्स भी है और आप बहुत ईजिली उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स सेकेंड एग्जाम्पल है मॉस्किटो इसके अलावा बाकी बीज एंड एंट्स वो भी इसी कैटेगरी में आएंगी द कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स अब चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ क्रिस्टेशन स और ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक हार्ड एग्जोस्केलेटन होता है Haar, में से आप पहले पे करें। जिस तरह बॉडी के अंदर एक बोन्स का स्केलेटन होता है उसी तरह वो हमारा बॉडी के अंदर है उसको हम एग्जो नहीं कहेंगे जब बॉडी के बाहर वो स्केलेटन आ जाए दैट इज एग्जोस्केलेटनशन ऑर्गेनिजम्स दैट है एग्जोस्केलेटन और ये जो एग्जोस्केलेटन है इसके अलावा दे हैव ए शेल जिसको हम कहते हैं अ चौकी शेल बिकॉज इट लुक्स लाइक इट इज मेड अप ऑफ चौक तो इसकी एग्जाम्पल्स में वी हैव क्रैब वी हैव लॉबस्टर्स या इसके अलावा श्रेम्प ये इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास नंबर वन तो एक चौकी शेल मौजूद है नंबर टू दे हैव एन एग्जोस्केलेटन मतलब बाहर भी हार्ड होता है उनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर द एट कैटेगरी इज अरास अराकेट्स आर मच लाइक इंसेक्ट्स इसलिए मैं डिफ्रेंशियट करूंगी बिटवीन बोथ ऑफ देम अराकिनिड्स का पहला डिफरेंस तो ये है कि इनके पास विंग्स मौजूद नहीं जो कि इंसेक्ट्स के पास मौजूद थे ये है कि इनकी बॉडी तीन हिस्सों में नहीं बल्कि सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड होती है एंड द लास्ट डिफरेंस इज दैट दे हैव एट लेग्स रादर देन जो कि इंसेक्ट्स में मौजूद थी तो ये डिफरेंस है बिटवीन एन इंसेक्ट एंड एन अराकिनिड इसकी एक्साम्पल्स में वी हैव अ स्पाइडर एंड वी हैव अ टिक तो इन दोनों को वैसे तो हम इंसेक्ट्स कहते थे बट नाउ यू नो दैट दीज आर नॉट इंसेक्ट्स आर एक्चुअली द रैकेट लास्ट कैटेगरी है हमारी द मीरियापॉड्स मीरिया पॉड्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं यहा हम कह सकते हैं ऐसे वॉर्म्स हैं जिनकी थिन और वेरी लॉन्ग बॉडी होती है मतलब इलांगेटेड सेगमेंटेड बॉडी होती है बॉडी के अंदर कैविटी मौजूद है और इनकी बेतहाशा लेग्स होती हैं

Organisms, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड या फिर बैक बोन मौजूद नहीं होती आपने ये तमाम याद रखनी है अच्छे तरीके से आज के कॉन्सेप्ट्स इतने ही थे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम तो जरूर मिलते हैं दोबारा अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज